हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन डील किए थे, सारी चीज़ें हम लोग जान गए थे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कब किसका ग्राफ पैरेलल होगा, कब उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कब वो कोइंसिडेंट करेगा। सारी चीज़ें डील करने के बाद अगले मेथड की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं और आज जो मेथड है वो है अलजेब्रिक मेथड, यानी किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है तो फाइंड करने के एक तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, ग्राफिकल मेथड के तरीके से हम सॉल्व किए, दूसरा जो है वो है अलजेब्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। होता क्या है कि जितने भी इंटीजर सॉल्यूशन होते हैं, इंटीजर वाले सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें ग्राफिकल मेथड से निकालना आसान लगता है थोड़ा सा, लेकिन नॉन इंटीजर वाले जो भी सॉल्यूशन होते हैं थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो उसके लिए एक और मेथड है जिस मेथड का यूज हम करते हैं और उस मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। एंड अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड पहुंचते हैं हमारे साथ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे इसमें पहला अलजेब्रिक मेथड में तीन होंगे, तीन में कौन कौन जाएगा? फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड में, तीन मेथड के सहारे हम किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इन सारे मेथड से यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चलते हैं, ये मेथड किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से ये मेथड वर्क करता है, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि कोई अगर आपको दो इक्वेशंस मिले हुए हैं, जैसे अगर इसका जनरल फॉर्म बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन हमारे मिलते हैं, किया कुछ ऐसा जाता है कि इन दोनों इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकाल लिया जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए, अगर किसी एक इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए, किसी भी एक को, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फर्स्ट को पकड़िए या फिर सेकंड को पकड़िए, आपको जो मन आता है उसको करिए, जो आसान होता है। तो हम इस चीज़ को पकड़ते हैं, मान लेते हैं इसको। इसमें से करना क्या होता है कि या तो एक्स का मान निकालिए या फिर वाई का मान निकालिए दूसरे के टर्म में। अगर इसमें आपको पसंद मान लो एक्स है, तो हम क्या करते हैं, a1x बराबर इन लोगों को उधर भेजेंगे तो होगा क्या, c1 - b1y और ये a1 को हटाएंगे फिर तो होगा क्या, x इज इक्वल टू -c1 - b1y / a1। यानी यहाँ से हम y के टर्म में, आपको पता है b1 c1 और a1 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हुआ क्या कि x को y के टर्म में हम यहाँ निकाल लिए, और जैसे ही x को y के टर्म में आप निकाल लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और करना क्या है कि अब ये x का वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन में बस पुट करना है, यहाँ पे इस x वाले के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देना है, बाकी आपके सॉल्यूशन निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है, कहने का मेरा मतलब क्या है कि कभी भी जब कभी हम क्वेश्चन को डील करते हैं इसमें, इस एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि आप उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक को पकड़ लो, जिससे आपको जाना है, जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उससे या तो फिर आप x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए या फिर y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए।
अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये फर्स्ट किसी एक, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सर इसी इक्वेशन से निकालेंगे, नहीं आप इससे भी निकाल सकते हैं। आप ये आपके ऊपर फिक्स है, आप जो चाहे वो करो, जिससे चाहो वो करो। अब करना क्या है कि जिस इक्वेशन से एक्स का, मान लेते हैं हम एक्स का, मेरे को मान लो एक्स पसंद है, हम एक्स से कर लिए, आप वाई पसंद वाले हो वाई से कर लो, जिसे भी अगर मान लो, फिर हम एक वाई पे कर लेते हैं। तो अगर वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में हम निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे, अगले इक्वेशन में, उस इक्वेशन में नहीं बल्कि उसके अगले वाले इक्वेशन में उस वाई का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। दैट मीन्स अभी तो हम एक्स को लिए हुए हैं, तो एक्स का जो मान ये निकला उसे हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। और जैसे ही पुट करेंगे उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे है वो देखिए एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं हम दो इक्वेशन ले लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे एक लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये दो इक्वेशन हमारा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन, ये 1 और 2। करते क्या है हम, मान लो हम एक इक्वेशन 2 को पकड़ते हैं और 2 में हम किसको पसंद आया, मेरे को एक मान लो x पसंद आया, तो हम इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू, आपको पता है किसी का वैल्यू निकालना है तो करना क्या होगा, उसके बाद उसके अलावे उधर उस तरफ जितने लोग हैं उनको साइड कीजिए। डैट मीन्स ये y को क्या करना होगा, इसे क्या करना होगा, आपको साइड लेके जाना होगा इस तरफ। तो ये पहले से 5 है। एक और चीज़, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि इधर जाएगा ना तो लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5। गलती क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, 5 तो इधर प्लस में था सर, आप इसको माइनस में कर दिए, और ये माइनस में था ये आपको प्लस में कर दिए, या फिर चलो ना इसको माइनस में भी कर दिए, कोई भी कुछ भी करें, लेकिन ध्यान रहे कि इसके साइन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कारण इसका क्या है, कारण यह है कि अगर एक बंदा कोई अपना रूम छोड़कर दूसरे के रूम में जाता है, दूसरे तरफ जाता है, तो चेंजेस जितने भी आएंगे वो उस बंदे के अंदर आएंगे, दूसरे वाले के बंदे में नहीं है। जो जहाँ पहले से रहता है उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एक आदमी कहीं अपना जगह छोड़ के और दूसरे जगह चला जा रहा है तो अब उस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, वहाँ जाएगा सेटल होगा, ये करेगा वो, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे भी है, लोग करते क्या है, ये गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये 5 अगर प्लस में है तो आपको प्लस में ही रहने देना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब ये वाई इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में वाई। दैट मीन्स यहाँ पर आपका इक्वेशन बना, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब करते क्या हैं कि ये एक्स का वैल्यू जो निकला ये नेक्स्ट वाले में पुट करेंगे, सेकेंड में नहीं, सेकेंड से चूंकि हम ये वैल्यू निकाले हैं तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यदि इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए क्या है, पहले ये देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इस x के यहाँ पे पुटिंग करना है ना जी, x का मान पुट करना है, क्या है x का मान, तो 5 प्लस वाई, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5 प्लस वाई, बाकी ये सब तो वैसे ही रह जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब आप खुद से देखिए ये कैसा इक्वेशन बन गया, ये एक बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में बनाना आपको बेहतर तरीके से आता है। डैट मीन्स यहाँ से हम चाहें तो क्वेश्चन को डील करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 12, और ये इधर जाएगा तो माइनस 5, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7, एंड y इज इक्वल टू 7/2। ये हुआ y का आंसर। जब y का वैल्यू निकल गया तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू इसमें अगर हम रख दें, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, दैट मीन्स 5 और प्लस 7/2, एलसीएम 2, ये हुआ 10 और प्लस 7 17/2। ये पूरी तरीके से इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। ये हुआ हमारा x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। यदि आप कहो कि नहीं आप पहले y का वैल्यू यहाँ से निकाले होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा इसको करके देख लेते हैं, y का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या यही वैल्यू आता है। आप याद कीजिएगा x का वैल्यू 17/2 एंड y का वैल्यू 7/2।
आगे हम चलते हैं, वाई का वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से ही हम वाई का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव था यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ से हम वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो होगा माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, ठीक है। अगर वाई का वैल्यू हमें निकालना हो तो ये माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए। अब देखिए आप लोग, अब क्या करते हैं, बाय पुटिंग y इन इक्वेशन किस में, टू में नहीं बल्कि वन में, इक्वेशन वन में, क्योंकि टू से हम ये वैल्यू निकाले हैं। आप चाहो तो वन से भी निकाल सकते हो, वन से निकाल कर और टू में पुट कीजिएगा। एक इक्वेशन से अगर वैल्यू निकालते हैं तो दूसरे में पुट कीजिएगा उसका वैल्यू, ऐसा नहीं कि जिसे निकालें उसी में पुट कर दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई के जगह पे हम ये वाला लिख दें, x माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व, ओके। ये देखिए x और x, टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व, और टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, और ये फाइव ही जाएगा प्लस हो जाएगा, ट्वेल्व और फाइव हो जाएगा सेवनटीन, एंड x इज इक्वल टू सेवनटीन बाई टू आ गया। क्या उस समय भी x का मान आया था 17 बाई टू, पक्का आया था, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसी तरीके से करो, आप जिसे मानना चाहते हो उसे करो, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। कि नहीं हम तो x के आदमी हैं, नहीं हम y के आदमी हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसका कीजिए, क्वेश्चन एकदम सही बनेगा, पक्की बात। चलिए अब देखिए, अब ये क्या करते हैं, x का वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या होगा, देखिए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव है सर, तो 17 बाई टू माइनस फाइव, डैट मीन 17 माइनस टेन बाई टू ना, एलसीएम लेंगे तो डैट मीन 7 बाई टू, वाई का वैल्यू 7 बाई टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं था उस समय भी, यही आया था वाई का वैल्यू 7 बाई टू। तो इसमें किसी भी तरीके से के क्वेश्चन होंगे, आपको बस यही करना है कि एक्स का वैल्यू निकालना है या वाई का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से फाइंड करना है, एंड देन उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। और जैसे ही वो पुट कीजिएगा, जैसे ही उसमें रखिएगा, वो बन के तैयार होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए जी, ये वन वेरिएबल नहीं है, पक्की बात, वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल सर एक होना चाहिए, वेरिएबल तो एक ही, एक्स ही है, तो एक्स ही एक ही है, अगर वाई भी होता तो टू वेरिएबल हो जाता। और वन वेरिएबल को सॉल्व करना आप लोग क्लास 7-8 में ही पढ़ चुके हैं, तो आसानी से है कि 10th में तो किसी तरीके से भी आप लोग कर लोगे। दूसरी चीज, अगर कभी कभार होता क्या है कि यहाँ पे मान लो 2x प्लस 3y ऐसा करके कुछ देते, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहते हो तो करेंगे 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, और ये बाई टू। अब x का मान ये होगा, अब जहाँ हम x का मान कुछ और रख रहे थे वहाँ पे x का मान ये रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आगे हम मिलेंगे तो एलिमिनेशन मेथड, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तब तक के लिए धन्यवाद।